हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इश्यू ऑफ डिवेंचर की थ्योरी हम कर चुके हैं, अब इसका हम पार्ट टू के थ्रू प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये 5 to 7 मार्क्स का हमारा टॉपिक है, तो कम से कम 5 मार्क्स और ज्यादा से ज्यादा 8-9 तक भी पहुंच सकता है, पर हम 7 का अंदाजा लगाते हैं कि इस साल ये 7 तक तो आएगा ही आएगा। इसलिए टॉपिक जो है वो 5 to 7 है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि शेयर कैपिटल के ऊपर ही बेस्ड है। शेयर कैपिटल हम कर चुके हैं तो ये टॉपिक हमें आसान ही लगेगा। देखिए, 3 टाइप यहां पर होती हैं, वहां आपने देखा था 2 टाइप होती थी, यहां आपको 3 टाइप मिलेंगी। तो वो 3 टाइप हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली टाइप है जब डिवेंचर पार पर इशू हो। पार का मतलब होता है जितने का है उतने में इशू हुआ। एक चीज और यहां पर मिलेगी, रिडम्शन ऑफ जब डिवेंचर करेंगे तो डिवेंचर करते समय आपको उसकी रिडम्शन भी याद रखनी है कि रिडम्शन की क्या टर्म्स और कंडीशन है, क्योंकि रिडम्शन की कंडीशन के ऊपर बेस्ड ये एंट्रीज होती हैं। तो अभी वो 6 केसेस तो मैं नहीं करा रहा, बट आप रिडम्शन को याद रखेंगे। ये जो नॉर्मल केसेस होते हैं हमारे, इन सभी नॉर्मल केसेस में रिडम्शन पार पर मानी जाती है। पार का मतलब आप कुछ भी फालतू नहीं दे रहे। रिडेम्पशन आपको 2 तरीके से मिलेंगी, एक प्रीमियम की भी मिलती है। तो रिडेम्पशन अगर प्रीमियम की है तो वो इशू की एंट्री पर इंपैक्ट डालती है। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर प्रीमियम पर रिडेम्पशन है तो वो इशू की एंट्री को चेंज करेगी। हम चैप्टर इशू का कर रहे हैं, रिडेम्पशन का नहीं कर रहे, ये बात हमें याद रखनी है। तो ये कब याद रखना है, जब प्रीमियम हो। अभी जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं इसमें प्रीमियम नहीं है, तो इसलिए मैं नीचे का ये पार्ट हटा देता हूं। और जो हमें याद रखना है कि ये याद रखना है कि अभी हम रिडम्पशन जो है वो पार पर कर रहे हैं और अभी इशू भी कितने पर है, पार पर है। पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। जनरल एंट्री वही है जो हम पिछली बार करके आए थे। पैसा आपके पास आता है डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम से आता है, डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट है तो डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अकाउंट ड्यू कराने की, जैसे हमने शेयर कैपिटल को किया था। फिर बैंक से पैसा आ जाएगा तो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। तो काम वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, बस नाम शेयर की जगह क्या हो गया है, डिवेंचर हो गया है। बाकी प्रोसेस सेम रहेगी जैसे हम शेयर कैपिटल के चैप्टर में करके आए थे। क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कहता है कि विश्वास लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर जिनकी परसेंटेज 9% है, ये जो 9% डिवेंचर के आगे लिखा है ये उसका इंटरेस्ट कहलाता है। इतना ब्याज मिलेगा उन डिवेंचर्स पर, ठीक है। तो 9% डिवेंचर जो 100 रुपए का एक है और उसकी पेमेंट होनी है 25 एप्लीकेशन पर है, 25 अलॉटमेंट पे है और 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। तो इस तरीके से आपको पैसा मिलना है। आगे कहा कि एप्लीकेशन रिसीव हुई सभी डिवेंचर के लिए और सबको जो अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर थी वो हमने कर दी। कॉल मनी वाज आल्सो रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, सारा पैसा मुझे समय पर मिल गया। सीधी सी बात ये है, तो जब सारा पैसा मिल गया तो उस पैसे को बस लेना है आपको और कुछ नहीं करना। तो पहली एंट्री में आप करोगे बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 25 रुपए से करोगे, 2000 से उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 25 को 2000 से गुना करते हैं हम तो अमाउंट आता है 50,000। तो आपके पास 50,000 रुपए आ गए। फिर इस पैसे को आप डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस डिवेंचर के आगे आप 9% जरूर लगा लीजिएगा, जो रेट ऑफ परसेंटेज होती है इंटरेस्ट की वो उसके साथ लगानी पड़ती है। फिर आप डिवेंचर अलॉटमेंट को ड्यू कराओगे, मतलब कि फिर 25 से उसको ड्यू कराओगे। तो 25 से ड्यू कराओगे तो फिर कितना मिलेगा आपको, 50,000। और कहा है कि सारा पैसा मिल गया है तो आप 50,000 ही रिसीव कर लो। अब अपनी बारी आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो मैंने नॉर्मली 2 की ही बनाई थी क्योंकि एंट्री सेम रहती है, इसलिए 2 तक बनाया था। तीसरे में आप क्या करोगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, 50 से है
तो आपका अमाउंट जो है वो 1 लाख आ जाएगा। तू क्या कर दोगे, 9% डिबेंचर अकाउंट, ये आपका ड्यू हो गया। फिर आप इस पैसे को बैंक से ले लेंगे तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना लिख देंगे, 1 लाख। तो इस तरीके से आप जैसा हम शेयर में कर रहे थे वैसे ही हम अपने इस क्वेश्चन को डिबेंचर में ट्रांसफर कर सकते हैं। बस नाम में आपको शेयर की जगह डिबेंचर यूज करना है, बाकी कुछ खास नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन, ये टाइप आपको वहां नहीं मिला था तो इसको थोड़ा समझना है। कहा कि एक्स लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 12,000 डिबेंचर, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 100 रुपीज का एक डिबेंचर है 5% के डिस्काउंट पर। शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होते पर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो इसीलिए यहां एक नया काम आपके सामने आता है, ठीक है। और पेबल जो है वो 25% एप्लीकेशन पर है, 20% अलॉटमेंट पे है और बाकी जो बचता है वो 3 महीने बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर होता है। तो जब डिस्काउंट के बारे में मेंशन ना हो कि कब दिया गया, मतलब कि वो 5% का डिस्काउंट कब दिया गया, तो उसको अज्यूम किया जाता है कि वो अलॉटमेंट के साथ होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर कितना है 25%, तो 100 का 25% कितना होता है 25, 25 को 12,000 से गुना करो तो आप पाओगे 3 लाख रुपए आता है आपका। तो आप 3 लाख रुपए यहां लिख देंगे। उसके बाद आप इतने ही अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट में 8% उसके आगे लिख लेंगे। फिर आप ड्यू कराओगे अलॉटमेंट। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करें तो इस 5% के डिस्काउंट को आपको याद रखना है। डिस्काउंट आपका लॉस है, डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है, कुछ ही मान लो। तो लॉस और एक्सपेंस के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट ईयर कि डेबिट आर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो आपको हर लॉस को डेबिट करना होता है। तो जो ये 5% अमाउंट है 12,000 का, 5% का मतलब 5 रुपए, 12×5=60, ये 60,000 का अमाउंट आपको ड्यू कराते समय डेबिट करना पड़ेगा। 60,000 रुपए डिस्काउंट ऑन इश्यू के नाम से आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां इस एंट्री में आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऐड कर देंगे और 60,000 रुपए लिख देंगे। 20% डिबेंचर अलॉटमेंट में जाएगा तो 12,000 का 20% मतलब कि 20 रुपए, तो जब इसको निकालोगे तो ये 2,40,000 आएगा। तो 2,40,000 आपके डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा। ये दोनों टोटल होकर आपके डिबेंचर अकाउंट में पहुंच जाएंगे, मतलब कि 3 लाख, 8% डिबेंचर अकाउंट लिखना पड़ेगा। जब पेमेंट मिलेगी तो वो अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब कि 2,40,000। डिस्काउंट का पैसा आपको नहीं मिलता। तो ये नया चीज आपको याद रखनी थी कि डिस्काउंट डेबिट करना है। अगर एप्लीकेशन पर पूरा अमाउंट नहीं मिल रहा तो आप उसको ड्यू वाली एंट्री में दिखाएंगे, मतलब कि जहां डिबेंचर को यूज किया जाता है उसके साथ डिस्काउंट चलता है, डिबेंचर के जस्ट अपोजिट चलता है। सिक्योरिटी प्रीमियम चल रहा था डिबेंचर के साथ, जो अगले केस में आपको मिलेगा। तो ये था डिस्काउंट वाला केस, ये था पार वाला केस, और थर्ड केस जो आता है वो प्रीमियम का आता है, जहां पर आपको प्रीमियम मिलेगा। ये क्वेश्चन कहता है कि 10,000 डिबेंचर आप इश्यू करना चाहते हैं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के वो डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है और प्रीमियम का अमाउंट जो है वो 70 रुपीज पर डिबेंचर है। तो 100 रुपए का एक डिबेंचर और 70 रुपए प्रीमियम के, तो टोटल आपको 170 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 170।
कितने डिवेंचर पर? 10,000 पर। तो 10,000 पर 170 रुपए के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा? 17 लाख। तो आप बैंक से उस 17 लाख को रिसीव कर लोगे, क्योंकि सारा पैसा एक बार में मिल रहा है। तो यहां अलॉटमेंट अलॉटमेंट नहीं है, सिंगल एंट्री में काम खत्म हो रहा है। तो आप 17 लाख बैंक से रिसीव करेंगे, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन में तो 17 लाख जाएंगे, पर डिबेंचर में आप 10,000 शेयर पर 100 रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते, मतलब यहां आप सिर्फ 10 लाख दिखा सकते हो। तो जो बाकी 7 लाख है वो कहां जाएगा? वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, जैसे किसमें जा रहा था? शेयर के मामले। तो ये था जब डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो। तीनों केस हमने एक साथ कर लिए। ये तीन रिडम्पशन के भी केसेस माने जाते हैं, जब रिडम्पशन किस पर हो? पार पर। तो ये उस हिसाब से भी आपको याद रखने हैं कि इशू डिबेंचर पार पर है, डिस्काउंट पर है, प्रीमियम पर है, रिडम्पशन उनकी पार है। तो ऐसे केसेस को हम नॉर्मल केसेस कहते हैं, जैसे हमने शेयर में पढ़े थे। तो इनके साथ कुछ भी और ऐड नहीं होता, तो ये इस तरीके से हम इनकी एंट्री पास करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आज का टॉपिक में जो था वो बस इतना ही था वैसे, बट इसी की कुछ एक दो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो और देख लेते हैं। तो फिर इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं, छोटे ही हैं, इसमें सिर्फ 2 एंट्री हैं, यहां जरूर 2 से ज्यादा है, बट ये क्वेश्चन सिर्फ 2 एंट्री का है। तो अगर आप इसमें देखें तो यहां हमें बताया गया है कि जो नव लक्ष्मी लिमिटेड है उसने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन डिबेंचर के लिए 3,000, 100 रुपए का एक डिबेंचर है और वो प्रीमियम पर है 50 के, ठीक है। फुल अमाउंट जो पेबल होना है वो एप्लीकेशन पर ही होना है। तो देखिए 3,000 डिबेंचर में इश्यू करना चाहता हूं, एक डिबेंचर 100 का है, 50 रुपए का प्रीमियम है, तो इस तरीके से मुझे 4,50,000 रुपए मिलने हैं। पर एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 4,000 हो गई, तो जितने में इश्यू करना चाहता हूं उससे ज्यादा मुझे एप्लीकेशन मिल गई। इसका मतलब 150 रुपए के हिसाब से मेरे पास 6 लाख रुपए आ गए, ठीक है। तो मतलब बैंक की एंट्री तो इसी से होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमने देखा था। तो आप यहां 6 लाख डाल देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन में भी 6 डाल देंगे, ठीक है। जो ये डिबेंचर अकाउंट है ये 3,000 से ऊपर नहीं जाएगा और 100 से भी ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये इशू से ऊपर भी नहीं जा सकता और इससे भी ऊपर नहीं जा सकता। तो इस बेस पर इस 6 लाख में से जो डिबेंचर एप्लीकेशन में पड़े हैं, 3 लाख तो मैं डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। कहा है कि जिनका पैसा ज्यादा है उनको वापस कर दो। 1,000 को देखो रिजेक्ट कर दी है, तो 1,000 को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि 1,000 को 150 के हिसाब से 1,50,000 रुपए आपने वापस किया होगा। तो वापस किया होगा तो क्या यूज किया होगा? टू बैंक, क्योंकि वो पैसा मुझे वापस करना है, ठीक है। अभी भी आप देखो तो इक्वल नहीं है, अभी भी कितने का डिफरेंस है? 1,50,000 का। वो किस चीज का है? प्रीमियम का। प्रीमियम को आप कैसे दिखाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये वे है, ये मेथड है, इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन था। अगर मैं इस तरफ आऊं तो इस तरफ कहते हैं कि कांति लिमिटेड है, उसने 10,000 डिबेंचर इशू करने हैं, 12% की रेट के थे, 100 रुपए का एक था, ये पार पर थे, 25 एप्लीकेशन पर पे होने थे, 50 अलॉटमेंट पे, और जो 25 बचते हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री मैं नहीं करूंगा, मैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा। कंपनी को 13,000 डिबेंचर मिल गए, तो ऑब्वियसली अगर 13,000 डिबेंचर के लिए पैसा मिला
₹25 के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 25। तो कितना अमाउंट आएगा, तो आप पाओगे 3,25,000 का अमाउंट आएगा। तो 3,25,000 आप रिसीव कर लोगे एप्लीकेशन के समय। 3,25,000 ही आप यहां लिखेंगे, बट जब यहां लिखना होगा तो आप 10,000 शेयर पर ₹25 के हिसाब से सिर्फ 2,50,000 लिख पाएंगे। आगे के बारे में क्या कहा गया कि जो एप्लीकेशन है वो 3,000 को रिजेक्ट कर दिया आपने, 3,000 को जब आप रिजेक्ट करोगे तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने ₹75,000 बैंक के थ्रू उसको क्या कर दिए होंगे, वापस कर दिए होंगे। तो आप 75,000 यहां डाल देंगे, एप्लीकेशन हो गई। अब अलॉटमेंट को ड्यू कराने की बात आती है। अलॉटमेंट 50,000 की है, 10,000 आपके डिबेंचर हैं, 10,000 को 50 से गुना कर देंगे तो आपका अमाउंट आएगा 5,00,000। तो 5,00,000 रुपए से आप इसको पहले ड्यू कराओगे, फिर 5,00,000 रुपए से ही आप इसको रिसीव करोगे, और ऐसे ही 2,50,000 से आपकी फाइनल कॉल की एंट्री होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे ही इतने ही टाइम लगता है, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिवेंचर भी, डिवेंचर बड़ा क्वेश्चन आने भी नहीं वाला है, तो हम जल्दी जल्दी इस काम को कर लेते हैं। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के, सेम वही काम है, कुछ अलग नहीं है। देखिए 8,000 डिवेंचर इश्यू किए मैंने, 12% डिवेंचर है, ₹100 का एक डिवेंचर है। डिस्काउंट वाला केस है, 10% डिस्काउंट है। पेबल कैसे कैसे है, ₹20 एप्लीकेशन पर, 40 अलॉटमेंट पर, जो बचता है वो फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पर। अलॉटमेंट के साथ आप डिस्काउंट दिखाएंगे, तो ये जो 40 है ये 40+10 हो जाएगा, या कहीं कि ये 50 हो जाएगा एक तरीके से, और 50 में से 10 माइनस होकर ये क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। और जो पब्लिक ने अप्लाई कर दिया वो 10,500 के लिए कर दिया, तो 6,000 को तो पूरा दे दिया, जो 4,000 थे उनको 2,000 दे दिए, तो 8,000 को पूरा कर दिया, जो रिमेनिंग बचे उनको रिजेक्ट में डालकर वापस कर दिया। ऑल द मनी जो है वो रिसीव जो हुई है वो ड्यूली रिसीव आपको हो गई है। तो थोड़ा सा अलग किया, देखिए क्या हुआ कि अप्लाइड जो थे उनको आपने अलॉटेड कैसे किए, तो जो 6,000 थे उन 6,000 को आपने पूरे 6,000 दे दिए, जो 4,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आपने 2,000 दिए। तो इसका मतलब 2,000 पर आपका इनका पैसा एक्स्ट्रा है। और इस एक्स्ट्रा को क्योंकि यहां पर कहीं मेंशन नहीं किया कि किसको कहां ले गए, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये अलॉटमेंट पर ट्रांसफर हो गया होगा। कितने की है आपकी एप्लीकेशन, ₹20 की, तो 2,000 को 20 से गुना कर देंगे हम, तो आपके 40,000 कहां चले जाएंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में चले जाएंगे। कहां जो और 500 बचते हैं, क्योंकि टोटल आपके पास 10,500 आए हैं, तो इस हिसाब से इसका टोटल 10 होता है, तो 500 बचते हैं, उनको कुछ भी नहीं दो, तो इसका मतलब उनको हमने रिफंड किया होगा पैसा। 10,000 आप बैंक से रिफंड कर देंगे, तो जैसा ओवर सब्सक्रिप्शन में होता था वही काम यहां पर हो रहा है। 13,500 को ₹20 से गुना कर आप यहां रिसीव करा लो, तो 2,70,000 आपके रिसीव हो जाएंगे। 2,70,000 ही आपके एप्लीकेशन में आ जाएंगे। उसके बाद कुछ पैसा आप बैंक से वापस कर रहे हो, बैंक लिखिए, कुछ पैसा आप डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में डाल रहे हो वो लिखिए,
बैंक से वापस करने का अमाउंट 10,000 है, वापस करने का अमाउंट 40,000 है, और डिबेंचर में आपके 8,000 डिबेंचर पर 20 रुपए के हिसाब से 1,60,000 आते हैं। अभी कुछ कुछ कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा है। रिमेनिंग एप्लीकेशन गलत हो गई है। देखिए 10,500 नहीं था ये, आपकी जो रिमेनिंग एप्लीकेशन जो थी वो 13,500 के हिसाब से निकालनी थी, कि यहां गलत है। इसको हमें 13,500 करना पड़ेगा। देखिए टोटल हमारा इनको देने के बाद 13,500 पर पहुंचाना है, तो इसका मतलब 3,500 आएंगे यहां पर। 3,500 को आपने कुछ नहीं दिया तो आप 3,500 को 20 से गुना कर देंगे और उसको आप बैंक में लिख देंगे। $70,000 आपके बैंक में चला जाएगा, तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा। फिर जब अलॉटमेंट ड्यू कराने लगे तो याद रखना कि 8,000 पर होगी और 40 + 10 मतलब कि 50 से होगी, और डिस्काउंट को आप डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू क्या होता है, डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर आप डेबिट कर देंगे 10 रुपए से, 8,000 पर 10 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए बैठते हैं। यहां करते हैं तो 4,00,000 आते हैं, इसका मतलब आपके डिबेंचर अलॉटमेंट में कितने जाएंगे, 3,20,000। इस 3,20,000 में से आपको 40,000 ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, तो अब कितने मिलेंगे, 2,80,000। वो बोले गए हैं कि पूरे मिले हैं, तो आप यहां पर उसको पूरा दिखा देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन यहां था कि 10,00,000 रुपए के रुपए बोला है तो रुपए मानेंगे, 100 रुपए के डिबेंचर को 10% के प्रीमियम पर इशू किया है, पेबल है 25% एप्लीकेशन में, इस 25% में 10% भी शामिल है, इसका मतलब 15% डिबेंचर के हैं और 10% प्रीमियम के हैं, ठीक है। बैलेंस सारा अलॉटमेंट पर है, तो देखिए 100 और 10 कितना होता है, 110। 110 में से सिर्फ 25 यहां मिला है, तो कितना अभी बाकी है, 85 रुपीज वो कहां मिलेंगे हमको, अलॉटमेंट पर। द डिबेंचर वर अप्लाइड एंड द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मुझे समय पर मिल गया और हमें उसको अब डालना है। तो देखिए सबसे पहले आप जो ये 10,00,000 रुपए दिए हुए हैं, इससे पहले आप डिबेंचर निकाल लीजिए, मतलब कि इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 10,000 हमारे डिबेंचर आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा काम जो था वो डिबेंचर को निकालना था। अब 10,000 मेरे डिबेंचर हैं,
और 25 रुपए मुझे मिल रहे हैं पूरे ही देखेंगे। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको हम यहां ऐड जरूर करेंगे, पर मिलते समय वो पूरा मिलेगा आपको, डिस्काउंट नहीं मिलता, रिजर्व मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 2.5 लाख, यहां पर भी ये 2.5 लाख आ जाएगा, डिवेंचर में यहां 2.5 लाख चला जाएगा, 10% यहां जाना है, तो 10,000 का 10% जो होता है वो 1 लाख होता है, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए कहां चले जाएंगे हमारे डिवेंचर अकाउंट में। अब जो यहां आना है वो आपका 10,000 डिवेंचर पर कितना निकाला मैंने 85, उससे आएगा, तो इसका मतलब 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए आप ड्यू कराओगे और उसके बाद उस 8.5 लाख रुपए को आप रिसीव कर लोगे। तो ये इसका प्रोसीजर होता है इन एंट्रीज को पास करने का। एक तरीके से देखोगे आप तो सारा का सारा प्रोसीजर वही है जो शेयर कैपिटल में था। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक इसका जो परचेज कंसीडरेशन का है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगा। थैंक यू।